स्टूडेंट, मैं प्रदीप मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर मैथ्स विद प्रदीप में। आजकल हम लोग परसेंटेज पर बात कर रहे हैं। परसेंटेज के कुछ वीडियोस हमने डाले हैं, 3 वीडियोस अब तक जा चुके हैं, तो उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। आपको चाहिए कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित प्रश्नों को हल करें, और कुछ बच्चों ने हमसे पूछा भी था सवाल कमेंट बॉक्स में, मैंने उनके जवाब भी दिए हैं। अगर आपको जवाब से संतुष्ट हैं तो उन्हें ज़रूर देखें, और आइए हम लोग आगे चर्चा करते हैं। इधर बीच मैंने सुपर टेट पर कुछ क्वेश्चंस पर मैंने बात किया था, जो अभी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चंस को मैंने हल किया। उसमें क्या था कि कुछ लाइट इम्बैलेंस हुआ है, तो दिखाई कम पड़ रहा है, फिर भी आप उसको देखिए कि मैंने बोला तो वही है। कोशिश करिए थोड़ा लाइट कम करके, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर होगा। तो आइए हम परसेंटेज के शेष बातों पर चर्चा करें। अभी एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ आपका जनसंख्या से संबंधित। देखिए, जनसंख्या को क्वेश्चन बढ़ते हैं, बढ़ते का मतलब हुआ कि जनसंख्या बढ़ती है, जनसंख्या घटती है, या मशीन का अवमूल्यन होता है, उस पर आधारित प्रश्नों पर हम बात कर रहे हैं आपसे। तो चलिए एक एक करके देख लिया जाए। तो हम बात करेंगे जनसंख्या वृद्धि और मशीन का अवमूल्यन, इसका क्या मतलब होता है। चलिए एक स्टेटमेंट करके हम देखते हैं कि सपोज करिए किसी नगर की जनसंख्या पी है और उसमें प्रतिवर्ष आर प्रतिशत दर से वृद्धि हो रही है, तो पूछा जाता है कि एन वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी। एक स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, किसी नगर की जनसंख्या पी है, उसमें प्रतिवर्ष आर प्रतिशत दर से वृद्धि हो रही है, तो एन वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एन वर्ष बाद नगर की जनसंख्या बनाना है, तो एक सिंपल फार्मूला है आपका, इसमें आप लगा सकते हो पी 1+R/100 n। आप कह सकते हो कि तो चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। भाई बिल्कुल सही है, चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला है। तो आपको ये समझना होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला यहाँ क्यों लगा। वैसे आपको एक बात ध्यान रखना चाहिए कि हम फार्मूला नहीं बताते हैं। आपको फार्मूला अगर आपको पता चल चुका है तो अभी मैं ये भी बताऊंगा कि अगर फार्मूला आपको ना याद हो तो और अच्छा है। फिलहाल अभी मैं फार्मूले के पक्ष में बोल रहा हूँ कि ये चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला क्यों है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब क्या होता है। ब्याज के ऊपर ब्याज लगा देना, यानी आज जो मूलधन हम जमा कर रहे हैं उसका एक साल का जो ब्याज होता है वो अगले साल वह ब्याज मूलधन में शामिल हो जाता है, और वह भी ब्याज कमाने निकल पड़ता है। यानी आज का जो ब्याज है वो कल का मूलधन होता है। तो जनसंख्या में क्या होता है, आज का जो बच्चा है वो कल का फादर होता है, और कल का जो बच्चा होगा वो फ्यूचर में जाकर फादर बनेगा। यानी ये यही है मानव जाति, आपका ये रेस मेंटेन रहता है। तो ये रहा आपका फार्मूला, इसीलिए इस पर चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला बनता है। तो इस पर हम सवाल लगा सकते हैं। तो एक टाइप का तो ये सवाल बन जाता है कि एन वर्ष बाद सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया। ये भी पूछा जाता है कि एन वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी, पूछ लिया जाए कि एन वर्ष पहले, बाकी सब ठीक था, यहाँ एन वर्ष बाद पूछा गया। अगर पूछा जाए एन वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी, तब क्या करेंगे, तब फार्मूला बन जाता है पी अपान 1+R/100 n। क्यों अपान, क्योंकि तब वर्तमान की जनसंख्या को ए समझा जाता है, मिश्रधन समझा जाता है, और पी वर्ष एन वर्ष पहले जब जाते हो आप तो वहाँ मूलधन समझा जाता है। तो वहाँ ए बराबर आप समझ सकते हो, अगर पी बराबर वैल्यू निकालना हो तो पी बराबर चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल में तो पी बराबर होता है ए अपान 1+R/100। वह फार्मूला यहाँ पर बन गया कि वर्तमान जनसंख्या अगर पी है तो वर्तमान जनसंख्या को हम लोग मिश्रधन समझेंगे, और उसके पहले वाली जनसंख्या पता करना है तो अपान कर देंगे। और अगर इसमें एक और स्टेटमेंट समझा जाए कि नगर की वर्तमान जनसंख्या पी है, देख लिया जाए किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या पी है, उसमें पहले वर्ष R1% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष
R2% कमी हुई, तीसरे वर्ष R3% वृद्धि हुई, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? तो इस पर आप समझ सकते हैं P1 + R/100 R1/100, फिर P1 + 1 - R2/100 और 1 + R3/100। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब वृद्धि हुई थी, R1% वृद्धि हुई तो यहाँ प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, जब R2% कमी हुई तो यहाँ देखो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, और जब फिर तीसरे वर्ष R3% वृद्धि हुई तो फिर देखो यहाँ प्लस का चिन्ह बना हुआ। ऐसे जितने वर्षों का पूछा जाएगा हम लोग करते चले जाएंगे। अब एग्जाम्पल लेकर देख लेते हैं, मैं इसे स्टेटमेंट है इसको आप देख लीजिए, मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ और एक क्वेश्चन लेता हूँ, मिटा दें इसको। आइए, एक क्वेश्चन लेते हैं कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, लेते हैं किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 8000 है, उसमें 5% दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या क्या होगी? ये सवाल पूछा गया। 8000 वर्तमान जनसंख्या है और 5% दर से वृद्धि हो रही है, 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या पूछा गया है, तो हम अपने फार्मूले पर जाएं तो ऐसे लिख सकते हैं 8000 ब्रैकेट में 1 + 5/100 / 3, और इस 5 से हम इसे काट देंगे तो ये बन जाएगा 8000 × 21/20, फिर 21/20 और फिर 21/20। अब 20 का क्यूब होता 8000, तो पूरा ये और पूरा ये कैंसिल होगा, 21 का क्यूब होता है 9261, ये आपका आंसर बन गया कि 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या इतनी हो जाएगी। कोई शक समझ में आया? अब मैं यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ आपको कि अलग से जो फार्मूला हम लोग लिखे हैं, अगर ये फार्मूला ना लिखें तो हमें कितना फ़ायदा मिलने जा रहा कि जैसे सोचो 5% दर से वृद्धि हो रही है, तो पहले साल भी 5% बढ़ा होगा, दूसरे साल भी 5% बढ़ा होगा, तीसरे साल भी 5% बढ़ा होगा। तो अगर हम इसको ऐसे लिखते 8000 × 5% वृद्धि को हम कैसे लिखते हैं, 105/100 फिर 105/100 और फिर 105/100, इसमें क्या फ़ायदा मिल गया कि हमको फार्मूला ध्यान में नहीं रखना है कि हम कौन सा फार्मूला हम लगा रहे हैं। अरे वृद्धि हो रही है, अब 3 साल बाद आगे हमको जाना है, तो फिर 105/100 करते जाएंगे। अगर आप इसे छोटा करोगे तो फिर यही बात बनेगी कि नहीं बनेगी? 5 से काट दो आप, तो इसको अगर आप काटते हो तो ये फिर 21/20 फिर 21/20 और 21/20 बन जाएगा, और इससे ये कट जाएगा और आपका उत्तर वही आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आप वह चीज़ जानते हो उसके लिए फार्मूला बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ। कहा गया कि किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 17280 है, उसमें 20% दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 वर्ष पहले नगर की जनसंख्या क्या थी? ये क्वेश्चन पूछा। ध्यान रखना होगा 3 वर्ष पहले कह रहा। अगर हम अपने फार्मूले के हिसाब से करें तो फार्मूला हमारा ये सपोर्ट कर रहा है P/1 + R/100 / n, यानी कि 17280 / 1 + 20/100 / 3। इसको अगर हम छोटा करेंगे तो 17280 यहाँ से छोटा कर दे 20/2500, 5 × 5 = 6/5 और 6/5 = 5/6 बनेगा, तो × 5/6 × 5/6 × 5/6। अब आप इसको काट सकते हैं,
आपका आंसर बन जाएगा। चलो काटते हैं, छः से काटो तो छः दूरी 12, 5 17 52, 6 8 48 और फिर 6 8 48, फिर 6 से कट रहा है, 6 चौके 24, फिर 6 8 48 और फिर 6 से कट रहा है, 6 8 48 80। तो आप इन तीनों का गुणा करो तो 80 को आप कैसे कर सकते हो, 16 25 80, तो आप करोगे 5 25 25 25 125, 125 गुणा 80 कर लो आप, 125 गुणा 80 करेंगे, 125 अट्ठे क्या होता है 1000 और एक जीरो और लग जाएगा तो आपकी जनसंख्या आ गई 10000। लेकिन मैंने फार्मूला पे लिखा है, अगर हम फार्मूला न लिखते तो इसे और बेहतर ढंग से लगा सकते थे। आइए देखते हैं कैसे। मेरे साथ आपको सारे फार्मूले भूलने पड़ेंगे, बिना फार्मूले की मैथमेटिक्स आप जान पाएंगे। देखिए अब फिर से हम इसी क्वेश्चन को देख रहे हैं, किसी नगर की वर्तमान जनसंख्या 17,280 है, उसमें 10-20% दर से वृद्धि हो रही है, तो 3 साल पहले नगर की जनसंख्या क्या होगी। सपोज करो आज हमारी जनसंख्या 17,280 है, अगर उसको हमको बताना होता कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी तो हम क्या लिखते, 120 बटा 100, लेकिन मुझे आगे नहीं जाना है, पीछे जाना है। जब पीछे जाना है तो हम 120 बटा 100 की जगह क्या लिखेंगे, 100 बटा 120। दरअसल फ्रैक्शन का मामला ये है कि अगर मान लीजिए आपके पास मेरा 3/2 धन है तो मेरे पास आपका 2/3 है, समझ पा रहे हो, यानी फ्रैक्शन पलट जाता है अगर उल्टा में आए तो। यानी अगर ये 17,280 है और 3 साल पहले की जनसंख्या पूछी जा रही है तो 20% दर से वृद्धि हो रहा, तो 120 बटा 100 की जगह हम क्या लिखेंगे, 100 बटा 120 और फिर 100 बटा 120। अब देखिए इसको काटना आपके लिए बहुत आसान होगा, एक जीरो तो यहाँ से कट जाएगा और 2 जीरो से 100 कट जाएगा। अब देखिए 12 का क्यूब क्या है, 1728 होता है, तो 100 गुणा 100 क्या हो जाएगा, आप देख रहे हैं कि आपका आंसर एक बार में आ रहा है, वो भी ज़बरदस्त आ रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये दूसरा सवाल बन गया आपका। अगर इसी में हम ये जानना चाहें कि ये जो तीसरा मैंने फार्मूला बताया था आपको कि पहले साल बढ़ जाए, दूसरे साल घट जाए, तीसरे साल बढ़ जाए तो क्या होगा, चलिए एक सवाल लेता हूँ उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए किसी नगर की जनसंख्या है 10,000, हम गिनतियाँ अभी अच्छी गिनतियाँ इसलिए ले रहे हैं कि आपको हमें डिजिट नहीं कैलकुलेशन करवा रहा हूँ, मैं अभी प्रोसेस बता रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसे मान लिया जाए कि किसी नगर की जनसंख्या 10,000 है, उसमें पहले वर्ष 20% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 30% कमी हुई और तीसरे वर्ष मान लो 10% वृद्धि हुई। अब पूछा गया कि 3 साल बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, तो बिना किसी फार्मूले में गए हुए अगर आप ऐसे सोच लें कि 10,000 जनसंख्या है, पहले साल 20% वृद्धि हुआ 120 बटा 100, दूसरे साल 30% कमी हुआ 100 के नीचे आ जाइए 70 बटा 100 और तीसरे साल 10% वृद्धि हुई 110 बटा 100। अब आप इसे काट दीजिए तो भी आपका उत्तर आराम से बन जाएगा, कोई समस्या नहीं, मैं करके दिखाता हूँ। 4 जीरो तो इनसे कट गया और ये 2 जीरो और भी किसी से काट दो तो 12 7 84 और गुणा 110। चलो गुणा कर लेते हैं, 4 8 4 12 8 1 9, 9,220 आपका उत्तर आ गया। तो बात क्लियर हो रही है, तो ये है जनसंख्या वृद्धि के सवाल। अब अगर हम मशीन के अवमूल्यन पर बात करें, अवमूल्यन क्या होता पहले इसे समझ लीजिए। अवमूल्यन का मतलब होता डेप्रिसिएशन, माने होता मूल्य का कम होना। जैसे कोई मशीन होती है तो आज कोई बाइक आपके पास में है तो जब आपने खरीदा था तो 60,000 रुपये की थी, 70,000 की थी, लेकिन आज 4 साल बाद उसकी कीमत अब 70,000 नहीं रही, कम हो गई होगी। तो ये जो हर साल वैल्यू कम होती जाती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। इसका बढ़िया एग्जाम्पल आपका मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन की कीमत बहुत तेज़ी से डिप्रिशिएट होती है। जैसे आपने कोई अभी क्यों होता हो रहा, क्योंकि इसमें नई नई टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, कोई भी नया मॉडल जो है पुराने मॉडल से बेहतरीन जा रहा तो पुराने मॉडल को फिर कौन लेता है, तो इसलिए मोबाइल की कीमत बहुत तेज़ी से गिर रही है। अगर आपके मोबाइल पास अभी आपके पास जो मोबाइल है अगर वो 15,000 का है 20,000 का है तो आप निश्चित रूप से 3 साल बाद उसकी कीमत देखिएगा तो 5,000 रुपये भी मिलना मुश्किल होगा।
इसका मतलब हुआ कि वो बहुत तेजी से वो डिप्रिसिएट हो रहा है मूल्य, तो उस पर कैसे सवाल बनते हैं? आइए अवमूल्यन पर एक स्टेटमेंट पहले लिख लें। अवमूल्यन पर हम सवाल लिख रहे हैं, पहले एक फार्मूला लिखेंगे और उसके बाद कहेंगे कि अगर फार्मूला भूल जाए तो बेहतर है। तो लिखते हैं, किसी मशीन का मूल्य, मशीन का वर्तमान मूल्य, वर्तमान मूल्य अगर पी रुपया है उसमें 8% दर से अवमूल्यन हो रहा, 10% दर से अवमूल्यन हो रहा, तो एन वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? मशीन का मूल्य, तो एन वर्ष बाद जो मशीन का मूल्य होगा उसके लिए फार्मूला बनेगा 1 (R/100)। ध्यान रखना होगा ये माइनस से शो कर रहा है कि डेप्रिशिएट हो रहा है, अगर यहाँ प्लस होता तो वृद्धि हो रहा होता है, और माइनस लगा दिया जाए तो डिप्रिशिएट हो रहा, और यहाँ पावर एन। अगर इसी में पूछा जाए कि एन वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या होगा, एन वर्ष पहले मशीन का मूल्य, तो आप यह कह सकते हो कि पी अपान 1 - R/100 पावर एन, ये एन वर्ष पहले वाला मशीन का मूल्य आ जाएगा। तो अब इन दोनों पर भी सवाल देख लेते हैं, आइए देखते हैं एक सवाल, तो मिटा रहा है, हम फिर बताएंगे कि इस फार्मूले की आवश्यकता पड़ेगी नहीं, हमारे गणित में कहीं कोई फार्मूला नहीं है, तो पूरा परसेंटेज आप बेस बनाकर लगा सकते हैं, 100 का बेस, उस पर आपके सारे सवाल बन जाएंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं कि मान लीजिए किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 10,000 रुपया, उसमें 20% दर से अवमूल्यन हो रहा, तो दो वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य पूछोगे तो आप अगर फार्मूले भी रखना चाहोगे तो फार्मूला तो आपके पास है, आप रख सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा फार्मूला ना लिखिए, सीधे लिखिए 10,000 और उसमें 20% अवमूल्यन हो रहा है, कम हो रहा है, इसका मतलब 80/100 होगा, तो आपको बस 2 बार 80/100 लिख देना चाहिए, बस आपका अवमूल्यित मशीन आ जाएगा, ये 10,000 कट जाएगा, आपका उत्तर आ गया 6400 यानी 6400। आप सोच रहे हो कितना छोटा सवाल है, लेकिन बताओ आपको 2013 ईस्वी में ये सवाल आया था समीक्षा अधिकारी का प्रश्न है, ये 10,000 मशीन का मूल्य था और 20% दर से अवमूल्यन हो रहा था, 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा? दरअसल एग्जाम में सवाल क्वेश्चन बड़े थोड़े ना होते हैं, क्वेश्चन हम इतने दबाव में होते हैं कि हम उसे गलत कर देते हैं, बस तो बाकी एग्जाम में सवाल कहाँ से छोटे छोटे बनते हैं। इस पर अगर एक सवाल और बनाया जाए कि मान लिया जाए कि किसी मशीन का वर्तमान मूल्य 34,300 है, उसमें प्रतिवर्ष 30% दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो तीन वर्ष पहले मशीन का मूल्य क्या था? अच्छा सोचो, 34,300 वर्तमान मूल्य है और इसमें आपको पता है कि 30% दर से अवमूल्यन हो रहा है, तो 3 वर्ष पहले अगर कहा जाता 3 वर्ष बाद मशीन का मूल्य बताओ, तो हम लिखते क्या 70/100, 70/100, 70/100। लेकिन अगर हमसे पूछा गया कि नहीं 3 वर्ष पहले मशीन का मूल्य बताइए, तो हम क्या करेंगे, पहले हम लिख देंगे 34,300 गुणा 100/70, 100/70, 100/70, देखिए 100/70, 100/70 और 100/70। अब देखिए काटना आपके लिए बहुत आसान हो गया, मैं काट देता हूँ 1, 2, 3, 3 जीरो से अगर हम काटें तो 3 जीरो यहीं से निपटा दीजिए, और आप देखो कि 7 का क्यूब है, ये 7 गुणा 7 गुणा 7
343, यानी यहाँ पे 100 आ गया, तो 100 × 100 × 10 आपको उत्तर कितना आ गया, 100000, यानी उस मशीन का मूल्य हो गया आपका 100000। सोचो 100000 मशीन का मूल्य था, 30% दर से अवमूल्यन हो रहा था, तो 3 साल बाद उसका मशीन का मूल्य हो गया 34,300, जो पहले शुरुआत में 100000 का मशीन था। तो इस प्रकार आप देख रहे हो कि कितने सवाल को लगाना कितना सिंपल होता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर टाइप के सवाल को आपके पास लाऊं। आपका काम ये होगा कि जो भी बुक आपके पास रखी हो कृपया उसे लगा डालें, पूरा का पूरा लगा डालें, कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में पूछ लें, और इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाएँ तो बहुत अच्छा होगा। धन्यवाद।